please, 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 शो पर आया और इतना मजा मुझे कभी नहीं आया कोई भी शो में जाके. सो थैंक यू रेमो सर, थैंक यू ऑल यू गाइस, एंड आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल फिनाले. जो टैलेंट मैंने यहाँ देखा है, आई थिंक हम फिल्मों में इसका 1% भी नहीं करते. आई थिंक दीज आर रियली द ट्रू हीरोज ऑफ फैमिली के गाने पे परफॉर्म करना एवेंजर्स के साथ बहुत ही बहुत करते रहते हैं, लेकिन इस नहीं, ये बहुत सरप्राइज था, मुझे पता नहीं था इन्होंने ऐसा प्लान किया था. और मैं पुनीत से पूछ भी रहा था कि क्या करें क्या करें, करेंगे बहुत अच्छा लगता है. यू नो सनी, यू रिमाइंडेड अबाउट योर ओन लेगेसी, आपके जो परिवार है जो अभी 80 साल से ज़्यादा अभी फिल्मों में एक्टिंग कर रही है, फिल्में बना रही है, तो अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा एक ट्रिब्यूट. काफ़ी तारीफ हो रही है. अरे यार, बहुत नीचे रहा बोलना उसको. मैं बहुत खुश हूँ, अभी 28 अक्टूबर जो दिवाली आ रही है, मैं यही चाहूँगा कि दिवाली हो एदिल की. रणवीर ए दिल मुश्किल को लेकर और काफ़ी सारे ऐसे बस और कोई अफवाह के बारे में मुझे कुछ बता नहीं. आपको शो और ए दिल के बारे में पूछना है तो पूछ लो. सलमान के शो पे जा रहे हैं आपके चर्चा भी आपके हेड में बस.